निर्माणी, हमने एक तो प्राथमिक विद्यालय में जी सौंदर्यकरण कराया जी, उसमें शौचालय वगैरह बहुत अच्छे अच्छे बनवा दिए जी, और उसमें पहले बहुत ही धूल मिट्टी का कार्य वहाँ चलता था, मतलब ऐसी ना कोई इंटरलॉकिंग थी ना कुछ था, हमने इंटरलॉक कराया उसका जी। और जो वहाँ अच्छे अच्छे पेड़, फूलों वाले पेड़ जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि रेस्टोरेंट हो हमारा प्राथमिक विद्यालय, दर्श प्राथमिक विद्यालय के नाम से जो है ना हमें बन गया हमारा। और बाउंड्री कराई इसकी, और एक मेन गेट भी लगाया जिसका कुछ टाइम है, बच्चे जब तक छुट्टी नहीं होती बाहर गेट खुलता नहीं हमारा, अंदर ही अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी है। और शिक्षा का, शिक्षा पर बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है, हमारे हेडमास्टर जी हैं, स्टाफ है, बहुत अच्छा काम कार्य करा रहे हैं शिक्षा के बारे में, और बहुत सहयोग किया उन्होंने इसमें कार्य कराने में। हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है जी, वो छोटा स्वास्थ्य केंद्र है जी, फिलहाल कोई एनएम की भी यहाँ फैसिलिटी नहीं है हमारे यहाँ, कई महीनों से, एक से एक डेढ़ साल हो गया जी, वो फिलहाल बंद ही पड़ा है। हम सोच रहे हैं इसमें कम से कम रोजाना डॉक्टर आवे, डॉक्टर नहीं आवे, और कम से कम दो चार बेड का हमारा हॉस्पिटल बन जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र है और दूसरे ग्रामों की भी यहाँ जो है समस्या हल हो सके, नज़दीकी उपचार मिल सके जल्दी जल्दी। हमारे गांव निर्माणी में 156 शौचालय लगभग हम बनवा चुके हैं, और लगभग जो और पात्र लोगों के बाकी बचे हुए हैं और उनके लिए भी सरकार दे नहीं पा रही है, जो लोग बचे हुए हैं उनके भी आ जाए तो कम्प्लीट हो जाएगा। रास्ता इस पंचायत घर में है ही नहीं कोई पक्का रास्ता जी, और पंचायत घर की स्थिति भी इस टाइम बहुत ख़राब है, और ऐसा आ जाए तो इसे हम दोबारा से इसमें कार्य करावें और रास्ता तैयार करावें। सब पैसा नाने की वजह से समस्या आ पा रही है, सरकार से पैसा नहीं मिल पा रहा, ये पंचायत घर है हमारा जी, और इसमें आप देख ही रहे हैं जी, इसमें भी हमें रिपेयर करानी है जी, इसका पैसा हमें मिल जाए तो तुरंत इसकी रिपेयर हम करा दें, और इसमें रास्ता भी, जब से हम प्रधान हुए हैं इससे भी पहले ही देख रहे हैं सर ऐसे ही, लगभग चार पाँच साल से आज तक किसी ने इसमें कुछ कराया नहीं, बस यही बिल्डिंग बनी थी उसके बाद ग्राम निर्माणी ग्राम प्रधानपति जी, मैंने ये इंटरलॉक कराया और काफ़ी चौड़ाई से तो हमने कराया, लामिया मदरसा भी है और जामिया स्कूल भी है बच्चों का, यहाँ हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त है, यहाँ बच्चों को बड़ी दिक्कत होती थी आने जाने में, और आने जाने वालों को भी जी, छात्रों को भी दिक्कत थी और आने जाने वालों को भी थी, ये समस्या सब इनकी अलग हुई, बहुत खुश हैं लोग। और इधर हमने ये सादा खड़ौंचा कराया, 22 फीट चौड़ा कराया और लगभग 150 मीटर की लंबाई इसको। ये आदर्श प्राथमिक विद्यालय गांव निर्माणी ब्लॉक बगरा जनपद मुजफ्फरनगर जी। बताइए क्या आवश्यकता है आपके स्कूल में, क्या परेशानी आ रही है? हमारा ये स्कूल है जी, जो इसमें जो पुरानी बिल्डिंग है वो इतनी ख़राब है कि बरसात में जो बारिश आती है तो छत इतनी चुकी है कि उसमें हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते जी। और ये सन 1963 में बनी थी, इसकी पूर्व प्रधानों ने भी रिपेयरिंग कराई, जो वर्तमान प्रधान है उन्होंने भी रिपेयरिंग कराई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हम चाहते हैं कि हमारे आदर्श प्राथमिक विद्यालय निर्माणी में जो ये पुरानी बिल्डिंग है, अगर इसे ध्वस्त कर दूसरी नई बिल्डिंग बना दी जाए तो बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। आदर्श प्राथमिक विद्यालय गाँव निर्माणी में है और यहाँ की स्थिति अब काफ़ी अच्छी आपको नज़र आ रही होगी, इससे पहले क्या था वो तो सब गांव वालों को भी पता है और ये हमारे टीचर्स भी हैं, लेकिन यहाँ शौचालय हैं ये भी काफ़ी अच्छे बन चुके, और जहाँ हम आपको फोटो करा रहे हैं ये भी जगह जो है ये पूरे स्टाफ की और मैं प्रधानपति सब मेहनत करके गाँव वालों ने सब ये जगह जो नई थी इसमें वो ले गए और इसको जो है बाउंड्री वगैरह और गेट वगैरह सब कुछ करा के, और इसमें अब काफ़ी अच्छा है और पढ़ाई बहुत काफ़ी अच्छी चल रही है और काफ़ी मेहनत चल रही है बच्चों की। ये जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है निर्माणी, इसमें ये सफाई कर्मी है जी, इस समय से आता है और पूरे विद्यालय की अच्छी सफाई करता है जी, और जो आप ऊपर देख रहे हैं ये लाइट है हमारे माननीय सांसद संजीव बालियान जी ने लगवाई है, और हमारे स्कूल में कनेक्शन भी है, जो ग्राम प्रधान जी वर्तमान हैं उन्होंने यहाँ कनेक्शन लगाया, सभी कमरों में पंखे हैं, ट्यूबलाइट हैं और बिजली की बहुत अच्छी सुविधा है।